सीट भी नहीं मिला। सीट भी नहीं मिला, कैसे देंगे? तो खड़े ना जाएंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है? उत्तरी बिहार से आ रहे हैं, दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार से जा रहे हैं, पश्चिमी बिहार में। ये सरकार का नियत है, गलती है। सरकार को चाहिए कि अपने जिला वाइज के 50 किलोमीटर के अंदर में दे दे। बहुत साफ सुथरा एग्जाम जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा एग्जाम में। पिछले बार की तरह इस बार नहीं होने जा रही है। नीतीश कुमार एक्शन में, नीतीश कुमार पूरा एक्शन में, तेजस्वी यादव भी एक्शन में है पूरा। अंदर से डर तो है कि उतना दूर से आए, भागलपुर से चलकर आए हैं, अभी यहाँ से फिर गया पकड़ेंगे, गया से फिर नवाडा जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ जाके ऐसा ना हो कि फिर से कैंसिल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। कल बीपीएससी 67वीं पीटी का एग्ज़ाम है और उसको लेकर मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि कैसे जो भी परीक्षार्थी हैं उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बस स्टैंड भी गई और बस स्टैंड भी जो भी अभ्यर्थी जो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनसे बातें की, क्या क्या समस्याएँ थी उनकी उन्होंने बताया। और अभी मैं पटना जंक्शन में हूँ और पटना जंक्शन का थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले। आप लोग स्टूडेंट हैं? चलिए, मैं थोड़ा, कहाँ गया है सेंटर? सुपौल गया है। सुपौल गया है, क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं? नहीं, परेशानी तो अभी कुछ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, एग्ज़ाम उस बार कैंसिल हुआ और अब उसके बाद फिर आंदोलन हुए, इतने सारे बदलाव हुए, तो मतलब क्या उससे कुछ परेशानी भी है या सब कुछ नॉर्मल? बदलाव हो रहा था तो थोड़ा सा उसमें परेशानी था, फिर स्टूडेंट का बात सहमत होकर बदलाव को फिर से पहले जैसा कर दिया गया, वो बेटर है। क्योंकि दो पाली में एग्ज़ाम लेना ये ठीक नहीं था स्टूडेंट के लिए। सिर्फ एक ही पाली में, एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन एग्ज़ाम हो, यही बेटर है बीपीएससी के लिए। जी, अगर ये नहीं बदलाव होता तो एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं? क्यों, एग्ज़ाम तो देते, ऐसा बात नहीं है, बाकी परेशानियाँ कुछ होती। हाँ, कट ऑफ के अनुसार भी परेशानी होती। पेपर वो फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा, पहला दिन का कैसा होता है और दूसरा का दिन का कैसा होता है, इसके अनुसार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। प्रॉब्लम होता है जी। अच्छा, मुख्यमंत्री बाद में आप लोगों के लिए संज्ञान लिए, तो मतलब ठीक किए ना? जी, ठीक किए। चलिए, और आप लोग भी स्टूडेंट हैं बीपीएससी के? मज़ा नहीं आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा है, ट्रेन से घूमना हो रहा है। अरे, हम लोग का कॉस्ट हो रहा है, दूर जाने में किराया भी लग रहा है। किराया बड़ा हुआ है, कितना है किराया? तो सीट मिला कि नहीं मिला? सीट भी नहीं मिला। सीट भी नहीं मिला, कैसे जाएंगे? हैं, बोला जाओ। अरे, सीट भी नहीं मिला तो कैसे जाइएगा? अरे, तो हम लोग तो खड़े ना जाएंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है? इतना आप लोग आंदोलन हुआ, मतलब एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर इतना आंदोलन हुआ, तब जाके फिर सरकार मानी, उसके बाद भी कष्ट? उसके बाद भी तो कष्ट है ना। अच्छा, सरकार आप लोग का बात मानी है, उससे खुश है? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों खुश नहीं है? अरे, हम लोग का फिर से दोबारा एग्ज़ाम ले रहा है, उसमें हम लोग का पहले बार एग्ज़ाम अच्छा गया था और इस बार हो सकता है कैसा जाए एग्ज़ाम, कोई ठीक है? उस बार सबका सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम अच्छा गया था इसलिए कैंसिल हुआ, इस बार पेपर ध्यान से देख लीजिएगा, ईजी है कि हार्ड है? अब तो देने के बाद पता चलेगा। सब लोग उस बार बोला था कि क्वेश्चन ईजी है। हाँ, ईजी था। हाँ, अब अगर हार्ड हुआ तो हाँ, अब पेपर में बैठेंगे तब ना पता चलेगा हमको। अब देखिए, उत्तरी बिहार से आ रहे हैं, दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार से जा रहे हैं, पश्चिमी बिहार में। ये सरकार का नियत है, गलती है। सरकार को चाहिए कि अपने जिला वाइज के 50 किलोमीटर के अंदर में दे दे, जैसे अरे रेलवे का माने कि रेलवे कमाने वाला कमाने नहीं, ऐसे सीट अथू जा रहा है, क्या कहला वेटिंग में चल रहा है, तो हम लोगों से पब्लिक भी, ट्रांसपोर्ट वाला भी कमाना चाहिए ना। उसी तरह अगल बगल जिला में दे देता 20-30 किलोमीटर, हम लोग चले हैं सुबह से। सुबह से आए हुए हैं? हाँ, तब का। कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। रोहतास से अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएंगे कटिहार। कटिहार जाएंगे? अरे, जा रहे हैं क्या कहला पाटलिपुत्रा, वहाँ से गाड़ी धरेंगे, चाहे हाजीपुर से गाड़ी धरेंगे। हाँ, जो सरकार ने जाना है उधर, हम जाना है, चाहिए चाहिए, हम लोग सिवान जाना है। अच्छा सरकार, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी जो सरकार ने जो नियम, मतलब जो आप लोग का जो मांग था वो सुन लिया, तो मतलब अब खुश है? खुश था अभी। सरकार को अगल बगल सेंटर देना चाहिए था, इसने बहुत परेशानी है आने जाने में। तैयारी कैसी है भाई? तैयारी ठीक है, ठीक है। अगला बार एग्जाम बढ़िया गया था।
बढ़िया गया था एग्जाम, सब कैंसिल हो गया। अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, कैंसिल हो गया कि नहीं, मतलब सच्चाई कितना है मतलब इस एग्जाम में? अब पता नहीं, वो तो जानेगा वो बीपीएससी वाला ना जानेगा। अब पता नहीं, अब तो कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा यहाँ क्या एग्जाम कैसा चल रहा है। कुछ लग क्या रहा है कि मतलब अब बहुत साफ सुथरे से एग्जाम लिया जाएगा, कोई सेटिंग उटिंग नहीं होगा? अब पता नहीं कल, अब हम लोग क्या जानते हैं इस सब के बारे में। बोलिए मैम, आपको क्या लगता है? बहुत साफ सुथरा एग्जाम जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा एग्जाम में, पिछले बार की तरह इस बार नहीं होने जा रही है। नीतीश कुमार एक्शन में, नीतीश कुमार पूरा एक्शन में, तेजस्वी यादव भी एक्शन में है पूरा, कोई धांधली उंधली कुछ नहीं होना है। रंजीत सिंह का नाम आ रहा था, वो तो कहना मुश्किल है उनका, तो बहुत बुरा हुआ, ये चीज नहीं होना चाहिए था। अंदर से तो डर लग रहा होगा कि ऐसा ना कि फिर एग्जाम देने जाने हैं, ऐसा ना कि ऐसा कुछ हो जाए तो। हाँ, ये तो डर है कि अंदर से डर तो है कि उतना दूर से आए, भागलपुर से चलकर आए हैं, अभी यहाँ से फिर गया पकड़ेंगे, गया से फिर नवाडा जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ जाके ऐसा ना हो कि फिर से कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाने के बाद फिर से दिक्कत आ सकती। बहुत सीट उठ मिलेगा कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग का एग्जाम निकल जाए। हालांकि लड़कियों का तो होम सेंटर ही दिया गया है, लेकिन लड़कों का जो सेंटर है वो काफ़ी दूर दिया गया है, इसलिए वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि दूर देने की वजह से हम लोग एक तो बैठ के जा नहीं सकते हैं, खड़ा खड़ा ही जाना पड़ता है, ऊपर से मेंटली रूप से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्ज़ाम होता है और उसके बाद अभी भी वो डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि उस बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ हो तो फिर ऐसा ना हो कि इस बार भी उसी तरह से हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।